राम का जन्मोत्सव गुरुवार को हो गया। 3 वर्षों के पश्चात मंदिरों में बड़े पैमाने पर आयोजन किया गया। साथ ही शहर के प्रसिद्ध पोधारेश्वर राम मंदिर से भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। उपराजधानी के लोगों में रामनवमी को लेकर खासा उत्साह दिखाई दे रहा था। पोधारेश्वर राम मंदिर की ओर से निकलने वाली भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा की प्रथम पूजा महाराष्ट्र उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने की। श्री पोधारेश्वर राम मंदिर में 30 मार्च को प्रातः काल 4 बजे भगवान श्री रामचंद्र का उत्थान, मंगला आरती, अभिषेक, अभ्यंग स्नान किया गया। सुबह 5 बजे शहनाई वादन, सुबह 9 से 10 बजे तक श्री राम कृष्ण मठ संकीर्तन मंडल द्वारा श्री राम कीर्तन, सुबह 10 से 12 बजे तक ओम हरे हरे कृष्ण मानस एवं संकीर्तन मंडल की ओर से भजन द्वारा महामंत्र का संकीर्तन किया गया। शोभा यात्रा शाम 4 बजे मंदिर प्रांगण से निकली। प्रभु रामचंद्र ने राजा रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण किया। इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में झांकियां रखी गई थी। कैमरा पर्सन अजीत कुंवर के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़, नागपुर।